हरे कृष्णा एवरीवन, मैं अवंतिका चौधरी कलकत्ता इस्कॉन से आज आई हूँ नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक क्या होगा। आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में, भक्ति के बारे में ही चर्चा करेंगे। भक्ति के कितने अंग होते हैं इस विषय में, बट उससे पहले मैं आप लोग से क्षमा मांगना चाहूँगी कि मेरे इतने लॉन्ग टाइम के बाद मेरा वीडियो आ रहा है। फिर मेरा बिजी शेड्यूल के कारण मैंने वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब मैं थोड़ा फ्री हुई आज, जबकि संडे से आप लोग कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम भक्ति के कुछ अंग के बारे में, जैसे भक्ति करने का भी ऐसे तो 64 अंग होते हैं, बट भक्ति के कुछ 5 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो 5 अंग क्या है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलिए जानते हैं वो 5 अंग क्या है। फर्स्ट है साधु संग, सेकंड है नाम संकीर्तन, थर्ड है आपका विग्रह पूजा, फोर्थ है आपका भगवतम श्रवण, फाइव है आपका मथुरा धावास धामवास। आप भूलिएगा, हम लोग साधु संग तो कर लेते हैं, है ना। हम जब टेंपल में जाते हैं जब भी, तो हम लोग का साधु संग वैष्णव संग हो जाता है। विकरात तो पूजा रोज ही हो जाता है, वक्त माने हम टाइम मिलने पे भगवतम श्रवण भी हो जाता है, कीर्तन भी घर में हो जाता है। बट ये धामवास कैसे करें, मथुरावास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कैसे करें, तो चलिए बात करेंगे मथुरावास कैसे वास किया जाए। एक्चुअली मथुरावास कोई मेंटलिटी करता है तो कोई फिजिकली वास करता है, बट हम लोग फिजिकली वास नहीं करेंगे, हम लोग मेंटलिटी वास करेंगे। जो तो सब कोई मथुरा में या वृंदावन में नहीं रहते, जो बाहर रहते हैं अदर स्टेट में अदर कंट्री में, तो वो लोग हम लोग मेंटलिटी वास कर सकते हैं। बताया गया आचार्य बोलते हैं कि आप फिजिकली कहीं हो या ना हो, बट आपको मेंटली होना चाहिए। मेंटली मैंने मानसिकता रूप से होना चाहिए। आप धाम वास करो, मानसिक रूप से वास करो, आपके मन में आपके चिंतन में हमेशा आपका धाम का बातचीत चले, धाम के बारे में आप सोचे, लगे कि आप धाम में वास कर, इस तरह का आपका धाम वास होना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं धाम वास, कहीं से भी कर सकते हैं। हम अभी चिंतन कर सकते हैं कि ऐसा होता धाम में ये है वो है, धाम के बारे में सोच सकते हैं, धाम के बारे में पढ़ सकते हैं, धाम के बारे में जान सकते हैं। इससे क्या होगा हमारा, हम धामवास कर सकते हैं, धामवासी हो जाएंगे, मानसिक धामवासी हो जाएंगे। तो इसीलिए जो धामवास नहीं कर पाते वो मानसिक धामवास करे, मानसिक रूप सेंगे, मानसिक धामवासी हो जाएंगे। इसीलिए जो धामवास नहीं कर पाते वो मानसिक धामवास करे, मानसिक रूप से मथुरावास करे, ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है धामवास का। तो यहीं तक मेरा वीडियो आज खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर सोल्यूशन भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन।